एजेंडा है डिस्कशन में? वो तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है ना, हम तो बाहर के लोग हैं, हम मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो जो अंदर बातें हो रही है वो लोग निकलेंगे तो बात करेंगे। कितनी कैबिनेट सीट्स की आप लोग डिमांड कर रहे हैं जेडीयू की? ये तो अब मुख्यमंत्री जी जाने और पार्टी के हाईकमान जाने। आनंद धर्मपत्नी चुनाव जीती है, क्या उनको लगता है कि मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए? हम इन बातों से खुश हैं कि इसी बार की महान जनता ने तीसरी बार आनंद परिवार में अपना विश्वास व्यक्त किया। ये पहला ऐतिहासिक क्षण है जो मेरा पुत्र चेतन आनंद जी वहाँ एमएलए हैं और माँ लवली आनंद शिवहर से सांसद है। आनंद जी, ये हमारे लिए काफी। आपने कहा राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में सीता माता की जो है कॉरिडोर बननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब और उपेक्षा नहीं, सदियों से माँ जानकी की उपेक्षा होती रही, हर बार अग्नि परीक्षा हम ही ने दी, मिथिलांचल ने दिया, मिथिलांचल की बेटी जानकी ने दी। अब आप देख लीजिए कि जो प्राकट्य धाम है, प्राकट्य भूमि है, ये पुनौरा धाम, उसके इर्द गिर्द और मिथिलांचल की सारी सीटें एनडीए को वहां की महान जनता ने दी है। इसलिए हम ये अपेक्षा रखते हैं कि और उपेक्षा नहीं, अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में भी मां जानकी का भव्य मंदिर बने। एक आखिरी सवाल कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग रेलवे पर डिपेंड रहते हैं, रेलवे पर में सफर करते हैं, क्या चाहते? ये देखिए, शिवहर पहला अभागा जिला है जो रेल से अछूता है। अभी भी हमारे समय में जब रामविलास जी थे, मैं एमपी था, तो हमने कोशिश की थी और सर्वे का ऑर्डर हुआ था, 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे और वो आज तक अधूरा है, ये 25 वर्षों बाद भी। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि रेल लाइन वहाँ पहुंचे। रेल मंत्री जेडीयू कोटे से बने आप चाहते हैं तो बिहार को? सब चाहेगा, हर पार्टी की कामना होती है अच्छा मंत्रालय मिले। रेल मंत्री नीतीश जी थे, बहुत सारे काम हुए थे। हमारी पार्टी के दिग्विजय सिंह जी थे, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी, रेल राज्य मंत्री, बहुत सारे काम हुए थे, इसलिए लोग चाहेंगे। इस बार भी रेल मंत्री चाहते हैं आप लोग? वाजिब है, मुख्यमंत्री जी ने अगर डिमांड किया तो। इंडिया अलायंस कह रहे हैं कमजोर सरकार होगी अगर इस बार गठन हुआ मोदी सरकार का। अब इंडिया अलायंस क्या कहती है उन लोगों से पूछिए। चलिए हो गया, चलिए।